हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑरा हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है कि 7-7 पोर्टल का इफेक्ट क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में या आपके रिलेशनशिप पर, एंड डिवाइन क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपको। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे इससे रेजोनेट कर पाएंगे, आज से 1 महीने बाद, आज से 6 महीने बाद, या फिर आज से 1 साल बाद, कभी भी। एंड आई एम श्योर आपको इससे अच्छे गाइडेंस ही मिलेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से भी आपको अच्छे गाइडेंस ही मिलेंगे फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है तो प्लीज़ आप मेरा इंस्टाग्राम ज़रूर ज्वाइन करिए, वहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं एंड पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत प्यार बरसाया है, दिया नहीं बोलूँगी, बरसाया है, एंड अभी भी बरसा रहे हो, एंड आई होप एंड विश कि आप आगे भी बरसाते रहोगे। आप सबके कमेंट्स में पढ़ती हूँ, बहुत ही प्यारे कमेंट्स आप लोगों के होते हैं, एंड आई एम रियली ग्लैड कि मैं जो रीडिंग कर रही हूँ वो रीडिंग से आपको अच्छे गाइडेंस मिल रही है ना, आप लोगों से वो बहुत रेजोनेट कर पा रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं 7-7 पोर्टल का क्या इफेक्ट होने वाला है आप लोग की लव लाइफ पर। डिवाइन प्लीज गाइड करिए। थ्री ऑफ कप्स, वाव, एस ऑफ कप्स, वाव, लवर्स, ब्यूटिफुल एनर्जी, वाव, एट ऑफ वॉन्ट्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, एंड बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ वॉन्ड्स, टू टू एंड टू, लुक एट दिस ट्रिपल टू। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले मैं शुरू करती हूँ। देख, जैसे ही बॉटम ऑफ द डेक ट्रिपल टू आया है तो डेफिनेटली आप लोग को ट्रिपल टू दिख रहा होगा। ट्रिपल टू के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, ये एक एंजेलिक फ्रिक्वेंसी है, आप इसको गूगल करिएगा, वहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस होते हैं ट्रिपल टू से रिलेटेड। आपको डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहती है, जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है आफ्टर दिस पोर्टल। ठीक है, सबके लाइफ में अलग अलग हो सकता है, लेकिन आप ज़रूर उसको गूगल करके देखिएगा, आई एम श्योर आपको इससे अच्छी गाइडेंस ही मिलेंगे। ठीक है, पहली चीज़ तो मैं देख पा रही हूँ, ये जो रीडिंग है ये सोलमेट ट्विन फ्लेम रीडिंग है, क्लियरली मैसेजेस आ गया है यहाँ पे। अभी भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, लेकिन ये पोर्टल के बाद अभी तक उन्होंने सिर्फ मन बनाया था कि उनको थर्ड पार्टी से निकलना है, आपके पास आना है। ठीक है, लेकिन ये पोर्टल आने के बाद वो एक्शन लेंगे, अभी तक एक्शन में नहीं आए थे, मन बनाया था, बहुत सारी प्लानिंग्स कर रहे थे, प्लानिंग कैंसिल कर रहे थे, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कैसे, बिकॉज उनकी खुद की अपनी परिस्थितियां हैं। आफ्टर दिस पोर्टल यहाँ पे मुझे एक्शन आते हुए दिख रहा है कि वो एक्शन लेंगे, और जब भी मैं ये नहीं बोलूँगी कि उनको एक्शन में 100% जब उनको सक्सेस मिलेंगी, थर्ड पार्टी से पूरे छूट जाएंगे तब वो आपके पास आएंगे, नहीं। जब उन्होंने एक्शन ले लिया उसके बाद उन्हें लगा कि मुझे सक्सेस मिलने वाली है या सक्सेस मिल जाएंगे जल्दी, तब वो आपके पास आएंगे ना, आपको सारी क्लैरिटी देंगे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर डेफिनेटली आपसे आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको मैसेज कर सकते हैं, एंड यहाँ पे हर्ट टू हर्ट कन्वर्सेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। वो दिल खोल के अपनी सारी बातें आपको बताएंगे कि वो कहाँ फंसे हुए थे, क्यों फंसे हुए थे, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी वो आपको सिर्फ उतना ही बताएंगे जितना बताना चाहिए इस समय, ताकि आप में कॉन्फिडेंस आए, नहीं तो यहाँ पे मुझे जो फेमिनाइन है ना, बहुत थक गई है, बहुत परेशान हो गई है, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई है, अभी मुझे फेमिनाइन एनर्जी लग रही है। ऑल दो फेमिनाइन एनर्जी बहुत बैलेंस्ड है, लेकिन अभी की सिचुएशन बहुत लो वाइब्रेशंस में मुझे दिख रही हैं अभी। मे बी हो सकता है 7-7 पोर्टल का इफेक्ट हो, लो वाइब्रेशंस में नहीं रहना है, अपनी वाइब्रेशंस को रेज करिए। यहाँ पे हो सकता है कि फेमिनाइन ने अभी हाथ जोड़ दे कि मुझसे नहीं हो रहा है, मैं नहीं इतना वेट कर सकती, मैं नहीं इनके बारे में 24 घंटे सोच सकती, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मुझे ये मूव ऑन करना चाहिए यहाँ से, मुझे नहीं सोचना है इनके बारे में। ये वाइब्रेशंस आपके पार्टनर को मिल रही है, ये फ्रीक्वेंसी आपके पार्टनर को मिल रही है, तो आपके पार्टनर को बहुत हड़बड़ी मच गई है। ठीक है, मे बी हो सकता है टेलीपैथिकली आप कुछ मैसेज भेज रहे हो, नहीं भेज रहे हो, जाते हो। ठीक है,
तब आपके पार्टनर बिल्कुल अभी एक्शन में आ चुके हैं, वो डेफिनेटली आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे कुछ ही दिनों में. कुछ लोगों को हो सकता है कि 8 दिन में कॉन्टैक्ट हो, कुछ लोगों का हो सकता है कि 8 घंटे में कॉन्टैक्ट हो, ठीक है. लेकिन बहुत पॉसिबिलिटी है विद इन 8 डेज या फिर 8 आवर्स में आपका कॉन्टैक्ट हो सकता है. एंड आपके पार्टनर आपको ऑफर करेंगे बिकॉज उनका प्यार सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बहता है. एंड ये अनकंडीशनल लव है, इस लव में कोई कंडीशन नहीं है, ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है. बहुत ही अनकंडीशनल प्यार करते हैं आपके पार्टनर आपसे, वो आपको ऑफ़र करेंगे. और इस बार जो ऑफ़र करेंगे ना, ऑफ़र में मैं आपको बता दूँ क्लैरिटी नहीं होंगी, ऑफ़र में क्लैरिटी नहीं होंगी, लेकिन आप समझ जाओगे कि दिस पर्सन इज़ फुली इनटू मी. लुक एट दिस, इतना बड़ा पेंटिकल्स, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू ऑफर यू. लेकिन अभी वो थोड़ा सा होल्ड करेंगे, लेकिन बातों में गेस्टर्स में आपको बता देंगे कि दिस पर्सन रियली इज़ इन लव विद यू. ये इंसान ना ये पोर्टल के बाद आपको इतना मैनिफेस्ट करने वाले हैं, इतना मैनिफेस्ट करने वाले हैं. ऑल दो अभी तक वो सिर्फ प्रे कर रहे थे कि सिचुएशन सुधरे, आप दोनों में चीज़ें ठीक हों, और इनका जो थर्ड पार्टी के साथ जिस भी तरह से जुड़े हुए हैं वो टूटे. लेकिन अभी वो उनको ऐसा लग रहा है कि प्रेयर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे एक्शन लेने की ज़रूरत है. तो यहाँ पे काफ़ी एक्शन होते हुए दिख रहे हैं. वो आपके लिए बहुत मैग्नेटिक पुल फील करने वाले हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा फैंटिसाइज करने वाले हैं, ठीक है. और फैंटिसाइजिंग में मतलब इतना ज़्यादा करेंगे कि वो चीज़ें ना ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट होंगे. अभी तक उनमें स्ट्रेंथ नहीं थी बिकॉज उनकी खुद की मजबूरियाँ थी, लेकिन वो देखना वो ग्रेजुअली धीरे धीरे स्ट्रेंथ बहुत एक्सट्रीम लेवल की गैदर कर रहे हैं आपके पास आने के लिए. बिकॉज उन्हें आप कैसे दिखते हो, उन्हें आप एम्प्रेस दिखते हो, उन्हें आप हीलर लगते हो, क्योंकि जो फेमिनिन एनर्जी है, इनसे ब्यूटीफुल कार्ड्स तो है ही नहीं टेक में फेमिनिन एनर्जी के लिए. उन्हें आप ये दिखते हो, उन्हें आप हीलर दिखते हो, आप दोनों ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो. लुक एट दिस, अवेकनिंग प्रोसेस शुरू है, ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, आप उनके विश फुलफिलमेंट हो, आप उनके विश फुलफिलमेंट हो, एंड वो अपनी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ आपके साथ देखते हैं. अगर आप उनकी लाइफ में नहीं हो ना, तो उनके लाइफ में कोई नहीं है. और जैसा कि मैंने बताया, ये एक ब्यूटीफुल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप दोनों की लर्निंग शुरू है. और भी आपको लेसन्स मिलेंगे 7-7 पोर्टल के बाद रिलेटेड टू दिस रिलेशनशिप. उसके बाद आप स्ट्रांग बनोगे, ठीक है. कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि जो फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी है ना, अगर मास्कुलिन ने कुछ बोला फेमिनिन को, तो फेमिनिन भड़क जाएंगी, फेमिनिन झगड़ा कर लेंगी. तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है, यहाँ पर क्लियर मैसेज है कि आपने किसी भी रूप में झगड़ा नहीं करना है. बिकॉज जहाँ पे आप झगड़ा करोगे ना, वहीं से वैक्यूम क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, वहीं से गैप आना शुरू हो जाएगा. तो कोशिश करिएगा कि पहले मैस्कुलिन्स को समझें, उन्होंने बहुत गलतियाँ करी है. उन्होंने देखिए, आप ग्राउंडेड हो, मैस्कुलिन्स ने बहुत गलती करी, लेकिन ये समय नहीं है उनको कुछ बोलने का. जब समय आएगा आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे कब उन्हें जवाब देना है, ठीक है. यस, एंड कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि इस मीटिंग के बाद, यहाँ पे हो सकता है कि एक कम्युनिकेशन, अच्छी कम्युनिकेशन के बाद आप लोगों की मीटिंग हो, आप लोग कुछ ट्रैवल का प्लान कर सकते हो, लाइफ में एंजॉय करोगे, कहीं सेलिब्रेट करोगे, आप लोग पब जा सकते हो, एंजॉयमेंट है आपका आपके पार्टनर के साथ आफ्टर दिस 7-7 पोर्टल. यस, एंड आप कुछ लोगों का मुझे ये भी लग रहा है कि जब आप लोग की बात होंगी, तो जो फेमिनिन एनर्जी है वो और इस तरीके से अपने मास्कुलिन से बात करेंगे कि मास्कुलिन्स को मतलब और पावर मिलेंगी, मास्कुलिन्स को और एनर्जी मिलेंगी ये जो जंग चल रही है उनकी, उससे लड़ने के लिए. चलिए फ्रेंड्स, और देख लेते हैं ओशो डेक में क्या है, क्या मैसेजेस हैं, देख लेते हैं डिवाइन क्या बताना चाह रही है. अब
आपके पार्टनर अभी भी देखिए ये सारी चीजें तो होंगी लेकिन अभी भी वो पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं, एक्शन जरूर लेंगे लेकिन अभी भी वो कुछ ना कुछ डिले में है क्योंकि उनकी अपनी जो जो परेशानियां हैं वो सुलझी नहीं है, अभी भी कुछ ना कुछ डिले करेंगे और वो आपसे बात करेंगे। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर डायरेक्टली बात कर लें, हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर मास्क लगा के बात करें, मैनिपुलेट करके बात करें, मतलब ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों को के पार्टनर यू नो अपना फेक आईडी बना लें इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे एंड देन आपसे बात करें। उन्हें सिर्फ आपके बारे में जानना है, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालनी है, ठीक है, लेकिन वो आपसे बात जरूर करेंगे, कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको ज़रूर देंगे, आपको समझ जाएगा। देखिए मैं जिससे प्यार करती हूँ या फिर आप जिससे प्यार करते हैं ना, चाहे वो कितने फेक आईडी बना ले, चाहे वो कितने नकाब पहन ले, लेकिन आपको पता है ये नकाब के पीछे क्या है, राइट। पहनने दीजिए उनको नकाब, अगर वो नकाब पहन के आपके पास आते आने दीजिए क्योंकि वहाँ से आपको क्लैरिटी मिलेंगी। आपने एकदम घबरा के पीछे नहीं हटना है, अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। इस कनेक्शन पे फेथ रखना है और इस कनेक्शन पे आपको फेथ और आएगा जब वो आपके पास आएंगे। देखिए लुक एट दिस पॉलिटिक्स, कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, ठीक है। आपके पार्टनर को लगता है आपके पार्टनर ऐसे हैं, ठीक है, बट आपके पार्टनर हकीकत में ऐसे हैं। इसको गलत मत लीजिएगा, दिस इट मीन्स कि आपके पर्सन आपके लिए ऐसे हैं, आपके पर्सन पूरे वर्ल्ड के लिए भी ऐसे हैं, लेकिन इस समय आपसे बात करने के लिए वो डायरेक्टली इस फेज में नहीं आ सकते, ठीक है। उनको कहीं ना कहीं कुछ मुखौटा पहनना है, जैसे ऑनियन की लेयर्स होती है ना, वैसे ही आपके पार्टनर के फेस पे भी बहुत सारी लेयर्स हैं अभी आपके लिए, आप तक आने के लिए। आपके पार्टनर को बहुत सारी अवेयरनेस आ रही है, बहुत सारी अवेयरनेस आ रही है कि ये कनेक्शन स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और उनको ऐसा लगता है कि जब से आप उनकी लाइफ में आए ना, वैसे तो उनकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई है, वो उनके बेटरमेंट के लिए चेंज हुई है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में तूफान आ गया है। लेकिन ये जो तूफान है ये भी उनको पता है, ये जो तूफान आया है ये भी उनकी भलाई के लिए ही है, ये भी उनकी भलाई के लिए ही, इससे भी उन्हें हाई वाइब्रेशंस ही मिल रही है। और देख लेते फ्रेंड्स लवर्स ओरेकल डेक से एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप लोगों को। लेकिन अगर कोई मास्कुलिन्स देख रहे हैं तो मास्कुलिन्स मैं आपको क्लियर बता दूं, अभी आपने कॉल लिया तो ये आपको मिलेगा कलरफुल लाइफ, लेकिन अगर आपने कॉल डिले करा तो आपकी लाइफ में देखिए ऐसा हो जाएगा। तो जो आप सोच रहे हैं कुछ हद तक ठीक है, लेकिन वो पूरा हद तक ठीक नहीं। एकदम मैस्कुलिन्स को बिल्कुल ज़रूरत नहीं अपने फेमिनाइन से बिल्कुल दूर होने की, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वे में आपको उनको गेस्चर्स शो करने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर वही बात होंगी कि उन्हें क्या पड़ी है, उन्हें क्या पड़ी है, वो क्यों आपके लिए इतने दुखी हों। मुझे तो लग रहा है कि यहाँ फेमिनाइन्स लगभग एक एक साल से ज़्यादा से दुखी हैं आपके लिए, इसीलिए आपको शो करना बहुत ज़रूरी है। आप डायरेक्ट नहीं शो कर सकते तो किसी और वे में शो करिए, गेस्चर्स में शो करिए, लेकिन शो ज़रूर करिए। और आपको जो लगता है, ऐसा नहीं कि आपको ये लग रहा है तो यही सही है और वैसा ही सही होगा, थिंक फ्रॉम अदर पर्सपेक्टिव ऑल्सो, फेमिनाइन, अपने आप को फेमिनाइन की जगह रखो एंड देन सोचो एंड देन टेक अ कॉल, ठीक है। ये कनेक्शन मैंने आपको बोला ना, बहुत ज़रूरत है मास्कुलिन्स को, क्योंकि फेमिनाइन्स ने तो बहुत बार शो कर दिया, फेमिनाइन्स भी टायर्ड हो गई है, लेकिन मास्कुलिन्स को बहुत ज़रूरत है इस कनेक्शन में केमिस्ट्री बढ़ाने के लिए। केमिस्ट्री नहीं बढ़ा सकते तो अपने गेस्टर से शो करो कि यू रियली लव योर फेमिनाइन्स, कैसे भी शो करना है आप शो करिए, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अट्रैक्शन एंड सब चीज़ें इस कनेक्शन से ख़त्म होती जाएंगी। एंड जो साइकिल अभी तक आप फेस करते आए हो, ये फेस करते ये साइकिल अपोजिट चला जाएगा और फिर डिले होगा, ठीक है। देर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन तो है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन डेफिनेटली है, बिकॉज ये ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के लिए एकदम मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, सोलमेट है, केमिस्ट्री का समय की काको आप लोगों को जरूरत है, क्योंकि फेमिनिन वाइब्रेशंस लग रही है, जरूरत है लड़ो थोड़ा एक साथ सी फ्लर्ट कर लो, है ना, ट्रस्ट पहले भी आया, ट्रस्ट अगर आप ये सकते हो, ट्रस्ट इसके में जरूरत कनेक्शन में पूरा तकने की जरूरत है, बहुत जरूरी है, फिर वो तभी ये कनेक्शन की जो बोलती आपको मिले, तभी आपको ऐसा होगा कि बस बहुत हो गया मेरे से नहीं हो रहा, लेकिन सब्र रखिए एंड शुक्र मानिए ऊपर वाले का कि आपको कोई इतना प्यार करने वाला मिला है। सेपरेशन हो सकता है, अभी आप सेपरेशन फेज में हो या फिर आपका लेस कॉन्टैक्ट जोन हो जो जल्दी ही ख़त्म होने वाला है,
फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, फ्री योर सेल्फ. मुझे ऐसा लगता है शायद आपके भी कुछ सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स हो सकते हैं, आपने भी अपने आप को बांध के रखा है. मतलब जैसे आप ऐसा हो सकता है 24 घंटे आप इनके बारे में सोचते रहते हो, ये आपके लाइफ में नहीं तो आप बहुत लो फील करते हो, वैसा रहोगे तो नहीं जी पाओगे. आपको अपनी एनर्जी को फ्री करना है, ये नहीं है आपको पता है ये आपके हैं, आपके आ जाएंगे, ठीक है, कहीं नहीं जाएंगे. कुछ लोगों को तो पता है लेकिन फिर भी वो लो वाइब्रेशंस में जाते हैं, फिर भी वैसा सोचते हैं, वैसा नहीं सोचना है. ये आपकी लाइफ है, कंट्रोल लीजिए, अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय करिए, जैसा जीना चाहते हैं वैसा जिए, अपनी लाइफ पे काम करिए. एंगेजमेंट, एंड कुछ लोगों का ये पोर्टल के बाद एंगेजमेंट हो सकता है, एंड जिनका भी एंगेजमेंट होगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी, ठीक है. एंड हर्टिस कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दोज जिनका एंगेजमेंट होने वाला है. फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग, आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी. मेरी रीडिंग अगर आपको पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए. वहाँ पे एक बेल आइकन का भी बटन है, प्लीज़ वहाँ पे भी जरूर क्लिक करिएगा ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखिए एंड वहाँ से आपको अच्छे गाइडेंस मिले. थैंक यू गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय.